पहले तो जोरदार तालियों से उनको आप स्वागत कीजिए ताकि इस कहानी को बढ़िया तरीके से आदमी गुप्ता जी से। प्यारे बच्चों, आज का प्रेरक प्रसंग भी बहुत रोचक है, छोटा सा है, लेकिन यदि आपने उसकी सीख ग्रहण कर ली तो लाइफ टाइम आप परेशान नहीं होंगे। एक बार एक बेटा अपनी माँ के साथ कहीं बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक पागल व्यक्ति मिला। उसने उसकी माँ को काफी अपशब्द कहे, परंतु माँ के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। तो पागल व्यक्ति परेशान हो गया कि मैं इतना बद्दी बद्दी गालियां दे रहा हूं, उनको कोई परेशानी है। उसके परिवार के बारे में बोलने लग गया जोर जोर से, फिर भी उस महिला के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ये पागल चिल्ला रहा होगा। उसके बाद और जोर से उसके पूरे परिवार को गाली देने लगा, तब भी उस महिला ने कोई भाव प्रकट नहीं किए, अपने जो मन है उस मनोस्थिति से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, इस व्यक्ति ने आपको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, फिर भी आपने इसको कुछ क्यों नहीं बोला? तो उस टाइम तो माँ ने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। घर जाने के बाद माँ एक कमरे में जाती है, वहां से उस बेटे के फटे पुराने गंदे बदबूदार कपड़े लाती है और बेटे से कहती है कि इन कपड़ों को चेंज कर ले, हाथ में देती है बेटे के। तो जैसे ही बेटा उन कपड़ों को लेता है तुरंत फेंक देता है, बदबूदार कपड़े है, लेता और तुरंत फेंक देता है। तो माँ ने पूछा कि तेने कपड़े क्यों फेंके? तेरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगी, लेकिन पहले बताए कपड़े मैंने चेंज करने के लिए बोला कि ये बदबूदार कपड़े पहन, गंदे कपड़े पहन, फटे कपड़े पहन, तो तेने इसको फेंक क्यों दिया? कि माँ मेरा सुबह नहाया, मैं कंघी कर रखी मैंने, सारा बिल्कुल स्वच्छ शरीर है मेरा, और आप मुझे ये बदबूदार कपड़े पहना के क्या मेरा शरीर गंदा करना चाह रही? मैं कैसे रह पाऊंगा? एक सेकंड में नहीं रह पाऊंगा। तो इसी प्रकार से माँ ने बेटे को समझाया कि बेटे सेम ये कपड़े तो आपको दिख गए, तेरे को दिख गए, लेकिन अपने जो मन की स्थिति भी स्वच्छ होती है, साफ होती है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो अपनी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति को दूषित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें इतना कंट्रोल होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि जो बाहर की दूषित चीजें हैं उससे अपनी मनोस्थिति पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जो अपना स्वच्छ मानसिक स्तर है उसको हम यदि दूषित कर लेंगे तो अच्छे विचार अपने दिमाग में नहीं आ सकते। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से कोई पागल व्यक्ति समझना चाहिए, अपशब्द बोल रहा है इसका मतलब पागल है, वो सही तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से कोई अपशब्द कहे, अपने को कुछ भी भला बुरा कहे, परंतु अपनी मनोस्थिति पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यदि उन पागल व्यक्तियों से आप लड़ना शुरू कर दोगे तो आपका जो दिमाग है, स्वच्छ दिमाग, वो सारा दूषित हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप देखते होंगे कोई बच्चे 90% 98 नंबर तक लाते हैं, तो उन बच्चों का मस्तिष्क ऐसे ही होता है, वो छोटी मोटी बातें, कोई किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गाली दे दी, कुछ दे दी, तो उनके मानसिक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु आपने देखा होगा जो फेल्यूअर बच्चे हैं, जो थर्ड डिवीजन पास होते हैं, उनको आप थोड़ा सा बिना बात के कुछ कह के देख लीजिए, आपको थप्पड़ लगा देंगे। तो यही अंतर होता है अच्छे बच्चों में, परसेंटेज बनाने वालों में, और फेल होने वाले या थर्ड डिवीजन बच्चों में। धन्यवाद।